आज हम बात करते हैं, अगर गूगल माई बिजनेस में आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है और वह अच्छा परफॉर्म करने लगती है और कुछ दिनों के बाद अचानक से आपको एक मैसेज आता है कि योर एक्सेस हैज बीन डिसेबल्ड ड्यू टू गूगल गाइडलाइन, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? आपका एक्सेस डिसेबल हो गया है तो हो सकता है लिस्टिंग लाइव हो और हो सकता है कि हार्ड सस्पेंशन हो गया हो। तो दोनों केस में आपको सबसे पहले अपना लिस्टिंग देखना है और लिस्टिंग में अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है वह ठीक करके आपको फिर से रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट करना है। और रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको ये सब पॉइंट पहले के वीडियो में नहीं मिलेंगे क्योंकि आज का यह वीडियो थोड़ा सा हटकर है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि सस्पेंशन से बाहर कैसे निकाले, आज का वीडियो है कि अगर एक्सेस डिसेबल हो जाता है तो उसको फिर से लाइव कैसे करते हैं। विदाउट लाइव किए आपका जो प्रोफाइल है वह कस्टमर को विजिबल नहीं होगा और बिना कस्टमर के विजिबल हुए आपके प्रोफाइल का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपका प्रोफाइल कस्टमर को विजिबल नहीं है तब तक आपके पास कॉल नहीं आएंगे और आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक रिस्टेटमेंट फॉर्म फिल करके अपना गूगल माई बिजनेस से फिर से जो एक्सेस है वह इनेबल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स और योर एक्सेस हैज बीन डिसेबल्ड बिकॉज दिस प्रोफाइल डज नॉट फॉलो द गाइडलाइन। एडिट योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन एडिट करनी है और लर्न हाउ टू रिगेन एक्सेस, यहाँ लर्न मोर पर क्लिक करें और यहाँ पर दिया हुआ है कि फिक्स डिसेबल्ड बिजनेस प्रोफाइल, आपको यह फिक्स करना है और फिक्स करने के लिए गाइडलाइन है कि आपको कैसे बिजनेस को फिर से लाइव करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, टेक एक्शन और रिक्वेस्ट रीस्टेटमेंट फॉर्म। तो सबसे पहले टेक एक्शन पर क्लिक करते हैं, दोनों में शायद सेम ही ऑप्शन आता है। यहाँ पर रीस्टेटमेंट फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहा है और रिक्वेस्ट रीस्टेटमेंट फॉर्म, दोनों में सेम ही ऑप्शन है। आप कोई भी क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं और क्लिक करके नीचे दिया हुआ है कि अपील ए डिनाइड रिक्वेस्ट और फिक्स इशूज विद ए रिस्टेटेड प्रोफाइल और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ना है और अपने प्रोफाइल में अगर कोई कमी लग रही है वह दूर करनी है। डिड यू ऑलरेडी सबमिट ए रीस्टेटमेंट रिक्वेस्ट फॉर दिस प्रोफाइल? नो, आपको ये कंप्लीट करना है। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, आपने सब पॉलिसीज पढ़ चुके हैं, आप ये जो एड्रेस है वहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको ये सब अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो पहले आता था वही ऑप्शन आ रहा है। आपको ये फॉर्म फिल करना है और ये फॉर्म जैसे ही कंप्लीट होता है एक केस आईडी जनरेट हो जाती है और केस आईडी जनरेट होने पर आपको उसी केस आईडी का फॉलो अप लेकर अपना जो डिसेबल्ड प्रोफाइल है उसको इनेबल करना है। अगर ये स्टेप फॉलो करके आपका बिजनेस अपडेट नहीं होता, लाइव नहीं होता, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे 99% केस में ये स्टेप फॉलो करके आपका बिजनेस फिर से लाइव हो जाएगा। अगर गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।